हाय, अगर आप मुझे नहीं जानते हो, माय नेम इज निशांत कुमार एंड आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। एंड आज मैं आपको एक फुटेज दिखाने वाला हूँ जिसमें एक लड़के को जो साइकिल पे अपने कॉलेज जा रहा था, एज क्लेम्ड इन द फुटेज, उसको एक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया और उसके बाद हाथापाई हो गई। और आज आप ये सीखने वाले हो कि अगर आपके साथ इस तरह की हाथापाई अगर कोई ऑफिसर करता है तो आप क्या स्टेप ले सकते हो। सो सबसे पहले एक बार उस फुटेज पर नज़र डाल लेते हैं। साइकिल से कॉलेज जा रहा था युवक, ट्रैफिक पुलिस के दरोगा ने रोका और की अभद्रता। ट्रैफिक पुलिस और युवक के बीच सरेआम पिटाई। और पीछे से देखिए पुलिस ऑफिसर उतरने के लिए तैयार है। में ट्रैफिक पुलिस करने की अयोध्या पुलिस ने मारपीट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। सो इस तरह का इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गलती किसकी थी, पुलिस ऑफिसर की या उस लड़के की। जो वीडियो हमें मिली है वो आधी है, हमें नहीं पता कि उस लड़के को क्यों रोका गया था। लेकिन अगर हम देखें ऑन द फेस ऑफ इट तो वो ट्रैफिक पुलिस थी और ट्रैफिक पुलिस ने रोका हुआ है अंडर रोक सकते हैं अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट। लड़का साइकिल पे था, इट्स नॉट अ मोटर व्हीकल, तो एम्बिट तो बाहर ऑलरेडी हो गया है। अब हमें नहीं पता कि उस ऑफिसर ने किस लिए रोका हुआ था, मे बी मास्क की वजह से, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। जिस वजह से भी रोका हुआ हमें इतना पता लग गया कि वो एज पर लॉ नहीं रोक सकता था। जितना वीडियो में दिख रहा है मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उस एम्बिट के बारे में। एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल जो फैक्ट्स हैं हम उनको इग्नोर करेंगे अभी, ठीक है। इसको एक केस स्टडी की तरह लेके चल रहे हैं। अब रोक लिया, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है बिकॉज वो साइकिल पर था। दूसरी चीज़, अगर उसने कोई अपराध किया है तो मोटर व्हीकल्स एक्ट आपको अलाउ करता है कि आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस में कर सकते हो, डेंजरस ड्राइविंग के केसेस में कर सकते हो। बट यहाँ पर तो बात है ही नहीं, मोटर व्हीकल्स एक्ट की बात ही नहीं है, ठीक है। तो अगर उसने कोई अपराध किया है तो लॉ के अंदर कोई तो रेमेडी होगी, आप उसके तहत जाइए। लेकिन आप कानून को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, उसके बावजूद आपने कानून को तोड़ा, आपने उसको घूंसा मार दिया, आपने मार पिटाई शुरू कर दी, आपके चार साथी और आ गए मारने के लिए, ठीक है। पहले तो अपराध नहीं बनता था लेकिन बाद में आपने उसको जेल में बंद कर दिया, बाद में उस लड़के को जेल में बंद कर दिया, बोला ना गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि मुकदमा उस पर बाद में बना है कि उसने पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठा दिया। पहले तो बनता था नहीं बनता था कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है, और मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बनता भी नहीं होगा। लेकिन बाद में जो लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई है, उसके बाद उन्होंने मुकदमा उस पर बना दिया। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? देखो, इस सिचुएशन में सिर्फ एक काम हो सकता है, वो है पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। या आप डायरेक्टली कोर्ट अप्रोच कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने गलत किया है, इल्लीगल काम किया, और पुलिस ऑफिसर उसके लिए सस्पेंड हो सकते हैं। दैट्स ऑल।